नहीं होगा, चेंज कब होगा, जब थीटा अगर यदि यहां रखेंगे तो सामने वाला लंब होगा और इधर बगल में क्या जाएगा आधार, तो हम यहां पर थीटा यहां रखते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखिए इसे इंग्लिश में कहता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि इसको एच से सूचित कर देंगे, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से सूचित करेंगे, और इसको बेस तो इसको बी से सूचित करेंगे। ठीक, अब देखिए इसी में अगर आपको एक और त्रिभुज बनाते हैं, देखिए एक और त्रिभुज जो बनाए हैं, ठीक है, तो ये तो कर्ण रहेगा यानी कि ये एच हो जाएगा, और ये देखिए इसका नाम रखते हैं ए बी जो कि समकोण है और सी। ठीक, अब देखिए अगर हम यहां पर थीटा रखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका लंब, क्या हो जाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा। ठीक, और जस्ट इसका बगल वाला ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार यानी कि बेस बी हो जाएगा। तो समझ गए, अगर यदि थीटा यहां रहे तो सामने वाला लंब और बगल वाला आधार होगा। ठीक, तो सवाल आपका 8.1 में इन्हीं दोनों में से बनेगा, कभी आपको यहां से पूछेगा तो कभी आपको यहां से पूछेगा, जहां से पूछेगा वह सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, अगर यहां से पूछेगा जैसे कि साइन ए पूछ देगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक, समझ गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ने इस पर एक बात कहा था, पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर ये जो है कर्ण के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिया, कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर दिया, लंब का वर्ग कर दिया, अब फिर प्लस यहाँ पे ये आपका आधार का भी वर्ग कर दिए, यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम इसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, यानी कि कर्ण को क्या कहते हैं एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार को क्या कहते हैं पी, आधार को क्या कहते हैं बी, बी बी कहते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लग रही है। अब देखिए अगर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक सूत्र बन गया, आप इसे भी लगा सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी में से अगर हम पी को इधर लाएंगे, बराबर का इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ये पी को जब उस तरफ बराबर कर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम ये बी को इस तरफ लाएंगे, बी को इस तरफ लाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको हम वर्ग को उस तरफ लाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपका मात्र तीन सूत्र बना, एक और दो और ये तीन, ये तीन सूत्र पर आपका सवाल बनेगा 8.1 का। अब देखिए इतना ये मैन सूत्र था, अब आगे बढ़ते हैं इससे।